हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ योगा। पतंजलि डिस्क्राइब 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा फॉर योग सूत्रस। ओके, फर्स्ट यामा, सेकंड नियाम, थर्ड आसन्स, फोर्थ प्राणायाम, फिफ्थ सत्याग्रह, सिक्स ध्यान एंड सेवन धारणा एंड एट समाधि। ओके, फर्स्ट यामा। यामा इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अस्थ्यांगना योगा। थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ यामा वंस कैन एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग थिंग्स डेट कीप वंस माइंड इन्वॉल्व इन द इन्विटेबल स्ट्रगल फॉर सर्वल। वन कैन रिमेन अवे फॉर वॉलेंस। फर्स्ट पॉइंट अहिंसा। अहिंसा मीन्स नॉन वॉयलेंस। इट मीन्स वन मस्ट कीप अवे फ्रॉम केजिंग हर्म टू एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग। एनेक्सिटी, जेलसी, हेट, एंगर एंड सच टाइप्स ऑफ नेगेटिव इमोशंस आर इंक्लूड इन वॉयलेंस। यानी कभी भी मतलब इस पे किसी से भी घृणा या जॉलेंस या किसी से नफरत करना यह नहीं है कि जो है यामा के अंदर जो है ये सिखाया जाता है कि किस प्रकार से हमको सभी से अपने आप को बनाकर रखना चाहिए। जो अपना जो बोलने का तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव इमोशंस नहीं आने चाहिए। तो ये जो है अहिंसा को किसी के साथ में गलत नहीं करना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए किसी साथ में, सभी से प्यार से और वो एक अच्छा जो है ग्रेटफुल जो है इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। तो ये अहिंसा के अंदर जो है ये एक संस्कृत के जो वर्ड हैं इसमें जो संस्कृत से बने हुए जो ग्रंथ हैं उनके द्वारा ये जो है एलिमेंट्स हैं इसके। सेकंड है सत्य, यानी फॉर ट्रूथफुलनेस, यानी हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इसमें बताया गया सत्य इज एन इम्पोर्टेंट यामा। अकॉर्डिंग टू सत्य वी मस्ट बी ट्रूथफुल इन थ्रोट वर्ड्स एंड डीड, वी मस्ट नॉट टेल ए लाई। ओके, तो इसमें बताया गया कि कभी भी हमको मतलब सच्चाई का साथ देना चाहिए, कभी भी झूठ का मतलब साथ नहीं देना चाहिए और हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। तो इसमें ये बताया गया है यामा के जो पॉइंट्स हैं हम पढ़ रहे हैं अहिंसा और सत्य। ओके, थर्ड पॉइंट असत्य। असत्य मीन्स नॉन स्टेलिंग द प्रोपेसेंटली टू यूज अदर ऑब्जेक्टिव्स मनी एंड थ्रोट फॉर आवर ओवन बेनिफिट इन स्टेलिंग। जैसे कोई भी किसी भी मतलब बेनिफिट के पीछे हमको नहीं भागना चाहिए और पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो इसमें ये बताया गया कि किस प्रकार से हमें किसी के भी साथ में गलत तरीके से हमको ये जो है पैसा या किसी के साथ में अपना बेनिफिट नहीं मतलब करना चाहिए किसी के, और किसी के साथ में गलत करके अपना बेनिफिट नहीं करना चाहिए। तो इसमें सत्य में ये बताया गया है। फिर है फोर ब्रह्मचार्य, नॉट टू टेक ए डाइट डेट स्टिमुलेटेड्स सेक्सुअल डिज़ायर, नॉट टू रीड प्रोनोबिनिक्स फ्रॉम सेक्स रिलेटेड लाइफ स्टाइल्स। यानी हमें जो हमारे सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं उस पर कंट्रोल करना चाहिए और कंट्रोल करके हमको अपना इसको अपने प्रभाव में रखना चाहिए। ओके, फिफ्थ है अपरिग्रह। अपरिग्रह मीन्स टू कलेक्ट मनी एंड प्रॉपर्टीज फॉर सेल्फ इंटरेस्टेड एंड ऑन द कंट्री। अपरिग्रह मीन्स टू लीड ए लाइफ विथ मिनिमम रिक्वायरमेंट। जितनी हमको रिक्वायरमेंट है उतना ही हमको हमारा पैसा कमाना चाहिए और जितना ही हमको हम उतना जितना डिजायर करते हैं उतना ही हमको लेना चाहिए। ओके, तो इसमें ये बताया गया है नियामा।
नियामा इज रिलेटेड इन इंडिविजुअल्स बॉडी एंड सेंस. नियामा आर आल्सो एथेंटिक्स प्रैक्टिस एज यामा. देर आर फाइव नियम्स सच ए सच संतोष तप एंड स्वाध्याय एंड ईश्वर पनिधेय. ये फाइव जो हैं इसके एलिमेंट्स हैं इसके नियम के. सच यानी सच्चा यानी प्योरिटी. वी मस्ट बी क्लीन फिजिकली एज वेल एज मेंटली. वी मस्ट कीप आवर बॉडी क्लीन एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली. यानी एक्सटर्नली और इंटरनली हमको क्या होना चाहिए, बिल्कुल साफ एंड क्लीन होना चाहिए बॉडी को. तो इसमें ये स्टडी की जाती है इसमें. सेकंड है संतोष. संतोष मींस कंटेंटमेंट. वी मस्ट डेवलप ए फीलिंग ऑफ सर्टिफिकेशंस इन ऑल सिचुएशंस ऑफ लाइफ. लाइफ की हर कंडीशन में हमको हमारा जो है जो माइंड हमारा जो कंट्रोल पावर है उस पर हमको कंट्रोल करना चाहिए. जैसे वी मस्ट फील सेटिस्फाइड विथ वॉट गॉड हैज़ गिवन अस. जो भी हमको गॉड देता है उस पर हमको संतुष्ट होना चाहिए. थर्ड है तप. टू इंड्योर्स द डिफिकल्ट ऑब्स्टेकल्स एंड ऑफ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस इजिली इन द वे ऑफ अटेंडिंग द ऑब्जेक्टिव एंड टू गो अहेड कंटिन्यूसली टूवर्ड द गोल इज कॉल्ड तप. यानी हमको जो हमारा गोल होता है उस पर हमको कंटिन्यू चलना चाहिए. किसी और तरीके से हमारा माइंड जो डाइवर्ट नहीं करना चाहिए. और हमारा जो गोल होता है उस पर हमको लक्ष्य होता है उस पर हमको टारगेट होना चाहिए. तो ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें नियम के. फोर्थ जो है स्वाध्याय. टू स्टडी द ग्रेट वेद ग्रंथ उपनिषेद योगनस्थ एंड गीता विथ डिवोटेड इज कॉल्ड स्वाध्याय. जो भी हमारे ग्रंथ हैं उसकी स्टडी करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए. इसमें ये बताया गया है. ओके. फिफ्थ है ईश्वर पनिधाना. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ नियम टू डेडिकेट ऑल द डिड ऑफ गॉड इज कॉल्ड ईश्वर पनिध्या. इन सच ए स्टेज ऑफ ट्रू डिवोटी थिंक्स डेट वॉट एवर फैसिलिटीज एंड प्रॉपर्टीज एज ए बॉडी माइंड यूथ इंटेलिजेंसी पोजिशंस पावर रेस्पेक्ट एसेट्रा. ओके. तो ये जो इसके पॉइंट्स थे नियम के. अब है आसना. ये इम्पोर्टेंट है आसना. आफ्टर यामा एंड नियामा आसन्स कम टू थर्ड लेवल. ओके. आसना मीन्स पोजिशन और postures of body. It also means to sit in easily postures. Okay. जो हमारे position हमारी जो body की position है या postures है उसकी बनावट के according हमको अब उसमें purity and stabilities जो हैं लानी चाहिए. ये इसमें आसन से बताया कि किस प्रकार से हम आसन के द्वारा body के अंदर flexibility और अपना जो है improvement कर सकते हैं किस प्रकार से, वो हम इसमें study करते हैं. Okay. There are various types of asanas such as corrective asanas, relaxative asanas and meditative asanas. These types of asanas have different types of effect on various organ of body. Okay, इस asanas के अलग अलग types के जो हैं हमारे अलग अलग effect पड़ते हैं body के अंदर organ systems के. Internally और externally जो effect है इसके वो इसमें हम पढ़ेंगे asanas के द्वारा. These asanas activate the functions of various organs. Asanas can be performed for young age to old age without any problem. Okay. Next जो है pranayama. Pranayama is the control of the process of breathing. यानी हम किस प्रकार से हमारा breathing system पे हम अपना control कर सकते हैं. तो pranayama it is means the opportunities control our inhalations and exhalations. Or basically there are three constitutions of pranayama.
पुराकना एंड कुमकना एंड रक्षत्रा, ये थ्री वर्ड्स हैं जो इसके प्राणायामक हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्राणायाम सच एज उज्जयी, सूर्यपति, शिकृति, शीतलति, वृक्षतिता एंड ब्रह्मरी, मुद्रा एंड फुलवेनी। प्राणायाम हेल्प इन रेगुलेटिंग ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड इन्हेंस ऑफ फंक्शंस ऑफ हार्ट एंड लंग्स। इट इज़ आल्सो प्रोवाइडेड लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ। ओके, हमारा जो ब्रीथिंग सिस्टम्स को किस प्रकार से हम अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो ये प्राणायाम इसमें बताएगा किस प्रकार से हम अपना ब्रीथिंग कंट्रोल और एंड्योरेंस पावर को हम ग्रोथ कर सकते हैं। तो प्राणायाम है जो है इसके अंदर बताया गया है। ओके, नेक्स्ट जो है आगे हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। ओके, जो भी पढ़ रहे हैं उसको आप फिर से इसको याद बुक से रीडिंग कीजिए, समझिए, क्योंकि ये इसमें जो योगा के अंदर हैं बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, छोटे छोटे वन मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, पुटअप होते हैं, और इसमें जो हैं अधिकतर जो वर्ड हैं वो संस्कृत से लिए गए हैं। सो आपको समझने में या मीनिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। ओके, बाकी ऐसा बिल्कुल इजी हैं ये। ओके, टेक केयर, बाय।